इंडिया से जो पार्टीशन से हम लोग यहाँ आए थे इज्जत करके, 365 घर हैं यहाँ पे हैदराबादियों के। तो उसके बाद हमने ये बिजनेस शुरू किया। अब नाम क्या रखें ये सोचे थे तो दक्कन से ताल्लुक था, हैदराबाद दक्कन से था, तो दक्कन अचार घर हमने नाम रखा इसका। ये मेरी दादी ने शुरू किया था 1950 में, वो मटके में अचार बेचती थी यहाँ पे। यहाँ पे बहुत उसमें मदबान होते थे, हैदराबादी हम लोग मदबान बोलते हैं, मदबानों में अचार होता था। और उसके बाद आहिस्ता 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 जिद्दत आती गई, पैकिंग चेंज होती गई और मुख्तलिफ चीज़ें ब्रांड आती। डेली नाम इसलिए रखा था, हमारे अकारीब और अजदाद सब डेली से हिजरत करके यहाँ कराची आए थे, तो इसका नाम हमारे वालिद साहब ने डेली रखा। जब से हमने दुकान खोली है हमें किसी ने कभी कोई तंग नहीं किया कि डेली रबड़ी हाउस क्यों नाम लिखा है रखा है। और अल्लाह का शुक्र है बड़े दूर से हमारा नाम पूछ के आते हैं लोग यहाँ रबड़ी लेने। दिवाली के त्यौहार होते हैं उसमें लोग यहाँ से मिठाई ये रबड़ी वगैरह लेके आते हैं। दिवाली हो दशहरा हो इनका जो भी होता है ये अपने त्यौहारों पर यहाँ से सब लेके जाते हैं। क्रिसमस होता है क्रिसमस ले आके लेके जाते हैं। बटाटा वड़ा खास और इतनी मिर्चे और दाल के बड़े होते हैं वो खास तौर पर जो है वो बेंगलोर में ही होते हैं। कि हमारी जो कम्युनिटी से जो हमारे हैं उनको हमारे एक पहचान पता चले, क्योंकि हमारे खास आइटम जो है 2-3 वो खास बेंगलोर के हैं। ये बिफोर पार्टीशन मीरठ एज नेम शोज, ये दिल्ली से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे एक सिटी है। वहाँ से हमारे जो ओनर्स हैं उनके फोर फादर्स जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड दे स्टार्टेड ओवर देयर बिफोर पार्टीशन, राइट, एंड दे इन्वेंट द सीख कबाब। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान बना तो बींग अ मुस्लिम ये लोग ट्रांसफ़र हुए यहाँ पर, माइग्रेट किया पाकिस्तान कराची, और फिर 1958 में यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया। And then, now, the fourth generation is operating right now.